आईपीएल 2024 के बीच हार्दिक पांड्या को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने हार्दिक पांड्या के सौतेले भाई वैभव पांड्या को अरेस्ट कर लिया है। वैभव पांड्या पर यह आरोप लगा है कि उन्होंने हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या को बिजनेस में धोखा दिया है। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के अधिकारियों की माने तो 37 साल के वैभव पांड्या ने एक पार्टनरशिप फर्म से तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए की हेराफेरी की, जिससे क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और उनके भाई कुणाल पांड्या को बड़ा नुकसान हुआ है, जिसके बाद वैभव पांड्या को पुलिस ने अरेस्ट किया है। दरअसल हार्दिक पांड्या, उनके बड़े भाई कुणाल पांड्या और कजन वैभव पांड्या के बीच पार्टनरशिप में एक पॉलीमर एक फर्म है। हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या के पास 40% शेयर है, जबकि वैभव पांड्या के पास बाकी के 20% है। आपको बता दें, तीनों भाइयों ने साल 2021 में पॉलीमर का बिजनेस शुरू किया था। तीनों ने मिलकर पॉलीमर का बिजनेस स्टार्ट किया। पार्टनरशिप की शर्तें ये थी कि हार्दिक पांड्या कुणाल पांड्या 40% पूंजी लगाएंगे, जबकि सौतेले भाई वैभव पांड्या सिर्फ 20% कैपिटल लगाएगा। शर्त की माने तो फर्म को चलाने के लिए पूरी जिम्मेदारी वैभव पांड्या की थी। पॉलीमर बिजनेस से जो मुनाफा आना था उसको भी इसी तरीके से बांटा जाना चाहिए था। रिपोर्ट्स की माने तो इसी बीच वैभव पांड्या ने पार्टनरशिप की शर्तों का उल्लंघन करते हुए हार्दिक और कुणाल पांड्या की कंपनी जो थी उसके अलावा एक और पॉलीमर फर्म को शुरू कर दिया। वैभव पांड्या ने पार्टनरशिप की कंपनी वाले मुनाफे का पैसा अपने भाइयों को देने की जगह अलग कंपनी बनाकर उसमें ट्रांसफर कर लिया। हार्दिक और कुणाल पांड्या को इसी वजह से तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। रिपोर्ट्स की माने तो पार्टनरशिप वाली कंपनी का प्रॉफिट 3 करोड़ रुपए तक घट गया। सौतेले भाई ने बिना जानकारी के अपने प्रॉफिट को 20 से बढ़ाकर 33% तक बढ़ा दिया। इस वजह से हार्दिक और कुणाल जो है वो वैभव से काफी नाराज थे, क्योंकि उन्हें काफी बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। सौतेले भाई वैभव पांड्या ने पार्टनरशिप वाली फर्म के खाते से 1 करोड़ रुपए अपनी अलग फर्म में ट्रांसफर कर लिया और अब हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या की शिकायत पर उनके सौतेले भाई वैभव पांड्या को अरेस्ट कर लिया गया है। आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिए।